हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा अवर यूट्यूब चैनल। और मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल सूरत से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे बात करेंगे एक ऐसे डिसीज़ के बारे में दोस्तों, कि जो डिसीज़ बहुत ही वेल नोन है। मैं बात कर रहा हूँ अस्थमा। अस्थमा को हम दमा रोग भी कहते हैं, और जनरली ऐसी कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी कि दमा जो है वो दम निकलने के साथ ही जाता है। आज हम यहाँ पे दमा रोग के बारे में, अस्थमा के बारे में पूरी बात करेंगे। ये रोग किस तरह से होता है, किन चीज़ों से होता है, आयुर्वेद में उसके क्या क्या क्योर हैं, कौन सी दवाइयाँ आप ले सकते हैं जिससे आप दमा ठीक कर सकते हैं, कौन सी होम रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको एक पेशेंट से भी हम मिलवाएंगे कि जिन्होंने आयुर्वेदा के माध्यम से अपना अस्थमा रोग जो है वो ठीक किया है। दोस्तों, हमारा मकसद इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आयुर्वेद का नॉलेज और आयुर्वेद के द्वारा जो रोग एलोपैथी से क्योर नहीं होते हैं, उन रोगों को आयुर्वेदा से कैसे क्योर कर सकते हैं, वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्हाट्सएप पे सारे ग्रुप्स में शेयर करिएगा, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जी, मैं बात कर रहा था दमा रोग के बारे में। दोस्तों, दमा रोग किस तरह से होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो सांस है वो हमारी सांस की नली, बड़ी नली जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, उसके थ्रू होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों की जो हमारी रचना है वो पेड़ की जड़ों के समान होती है, और फेफड़ों की जो जड़ें हैं उसके जो एंड पार्ट्स हैं उसको ब्रोंकस कहते हैं। वो ब्रोंकस के थ्रू ही हमारा जो सांस में लिया गया ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड तक पहुँचता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम सांस बाहर निकालने के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। ये हमारी नेचुरल सांस लेने की प्रोसेस होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में कुछ ऐसे कण, कुछ ऐसे प्रदूषित एलर्जेंस भी सांस में चले जाते हैं, लेकिन हमारे फेफड़ों की ऐसी रचना है कि हमारे जो ब्रोंकस हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ कफ के स्वरूप में रहता है, उन जो प्रदूषित घटक है उनको हमारे ब्लड में नहीं जाने देता, वहीं पर रोक लेता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से जब हमारा मेटाबोलिज्म डिस्टर्ब होता है और जब हमारे फेफड़े जो है उनको इन्फेक्शन लगता है, जैसे के कारणों में मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा तला हुआ आइसक्रीम है, चॉकलेट्स ठंडी है, ठंडा पानी है, खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, इनका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा सेवन करना, प्रदूषण है, फिर वातावरण के जो घटक हैं कुछ ऐसे जो जिनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, वो सब घटक जब हमारे सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो वो अस्थमा यानी कि दमा रोग का निर्माण करते हैं। उसके अलावा हम देखने जाए तो हाउस डस्ट है, कुछ हम पेट्स रखते हैं घर में, उनकी जो बाल होते हैं वो सांस में जाने से दमा रोग हो सकता है। और दमा रोग होने के कुछ कारणों में एक तो मैदे को बहुत बड़ा कारण बताया गया है। मैदे वाली चीज़ें जो है वो हम खाते हैं, हमारी बड़ी आंत जो है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसमें वो जमा हो जाता है, मैदा जो है वो, जैसे ब्रेड के स्वरूप में हमने उसको खाया या डबल रोटी के स्वरूप में हमने उसको खाया, वो अंदर जमा हो जाता है, वो निकलता नहीं है। जैसे कि एक डामर दीवार पे जमा हो जाता है, उसको निकालना जितना कठिन होता है, उसी तरह से आंत में जमा होने वाले मैदे को निकालना भी उतना ही कठिन होता है। जब किसी को अस्थमा का अटैक आता है तो क्या होता है, सांस जोर जोर से चलने लगती है। सांस चलने के साथ साथ दूसरे क्या लक्षण अस्थमा के रोगी में पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला लक्षण तो आपको बताया, जिस तरीके से कि सांस चलने लगना जोर से, प्राणवायु की कमी हो जाना, फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन का न पहुंच पाना। दूसरा, चेस्ट में पेन होने लगता है, छाती में जकड़न सी महसूस होने लगती है। उसके अलावा हार्ट बीट बढ़ जाती है जिसको पाल्पिटेशन कहते हैं, और सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, और छाती में फट जाने जैसी पीड़ा होने लगती है। जब हम एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो आपको ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं जिसके आप ब्रोंकस जो है जिसमें अस्थमा के एलर्जेंस की वजह से सूजन आ गई है और प्राणवायु वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, या कफ जमा हो गया हुआ है तो वो फेफड़े जो सूजे हुए हैं, जो ब्रोंकस सूजे हुए हैं वहाँ तक वो ब्रोंकोडाइलेटर्स जाके उसको डायलेट करती हैं। कुछ एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं जिससे वो कफ जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम पंप के स्वरूप में भी देखते हैं कि कुछ लोग पंप भी लेते हैं। उस प्रकार की मैनेजेबल ट्रीटमेंट बताई गई है, लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अस्थमा रोग जो है वो आयुर्वेदा से संपूर्णतः क्योर हो सकता है। अगर आपको अस्थमा है, अगर आपको शुरुआती दौर का अस्थमा है, आपको एक या दो साल के अंतर्गत अस्थमा हुआ है,
आप जरूर से आयुर्वेद के द्वार पे आइए, वो बहुत ही जल्द ठीक हो सकता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें 100% रिजल्ट्स नहीं मिल सकते, कि जो बहुत पुराने और लॉन्ग टर्म के केस होते हैं। बाकी ज़्यादातर केस में आयुर्वेदा में अस्थमा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आयुर्वेदा में इसको कफ और वायु का रोग बताया गया है। शरीर में कफ वर्धक आहार विहार आहार का सेवन ज़्यादा किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया खट्टा है, ठंडा है, उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि अंडा है, फिर मछली है, उसके अलावा आप सोयाबीन है, ऐसी सब चीज़ें ज़्यादा सेवन करने से शरीर में नेचुरल कफ बढ़ता है। ब्रेड का सेवन करने से बड़ी आंत जो है वो दूषित होती है और उसकी वजह से अस्थमा होता है। अब आयुर्वेदा में अस्थमा का सॉल्यूशन क्या है? आयुर्वेदा में अस्थमा को तमक श्वास कहा जाता है और ऐसा कहा है महर्षि चरक आचार्य ने कि तमकेतु विरेचनम, जिसको तमक श्वास है उसको विरेचन करवाए। लेकिन शुरुआत में आपको अगर मैं होम रेमेडीज के बारे में बताऊं तो होम रेमेडीज में जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है उन लोगों को सरसों का तेल लेके उसमें सेंधा नमक ऐड करके थोड़ा सा गर्म कीजिए और अपने छाती के भाग पे चेस्ट पे अप्लाई करिए रात को सोते वक्त। ऐसा रेगुलर करने से जो कफ है वो इजीली बाहर निकल सकता है। उसके अलावा अगर हम दूसरी होम रेमेडीज की बात करें, जिनको अस्थमा का रोग हुआ है वो लोग सुबह उठ के, ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये जो होम रेमेडी बता रहा हूँ बहुत ही कारगर है। सुबह उठ के आप दालचीनी यानी सिनेमम, जिसको तेज पत्ता भी कहते हैं, तेज पत्ते का पाउडर 1 चम्मच लीजिए, उसको गुड़ के साथ मिक्स करके आप चबा के खा सकते हैं, उससे काफ़ी फायदा होता है। उसके अलावा तुलसी के पत्ते हैं, अदरक का रस निकाल के, तुलसी का रस निकाल के सिनेमन पाउडर के साथ उसको मिक्स करके, शहद के साथ मिक्स करके उसको आप रोज सुबह चाट सकते हैं। याद रखिएगा शहद जो है वो मार्केट में मिलने वाला शहद नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ओरिजिनल या तो ऑर्गेनिक शहद होना चाहिए। इस प्रकार से एक ये होम रेमेडी मैंने आपको बताई। दूसरा इंटरनली आपको होम रेमेडी मैंने बताई। दूसरा आप एक काम कर सकते हैं, जो भीमसेनी कपूर मिलती है वो भीमसेनी कपूर को आप एक डिब्बी में ले लीजिए, उसको आप कूट के उसमें शहद डाल के उसका मिक्सचर बना के डिब्बी को बंद कर दीजिए और रोज सुबह दोपहर शाम एक एक बार उसको नाक से लगा के ऐसे करके सूंघना है। उससे भी आपके जो ब्रोंकस हैं वो खुल जाएंगे, कफ बाहर निकलने लगेगा और रोगी को काफ़ी अच्छी हद तक राहत होगी। आयुर्वेद की कुछ औषधियाँ जो हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती है अस्थमा के रोगियों में, जिसमें एक औषधि का मैं आपको नाम बताऊंगा, अड़ूसा बोलते हैं, जिसको गुजराती में अरडूसी बोलते हैं, हिंदी में अड़ूसा बोलते हैं। ये अड़ूसो के जो पान होते हैं उसका रस निकाल के आप सुबह सुबह खाली पेट उसका सेवन कर सकते हैं, उससे अस्थमा के रोग में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसके अलावा आयुर्वेद की सुवर्ण कल्प औषधियाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं, जिसमें श्वास काश चिंतामणि रस, महालक्ष्मी विलास रस, ये औषधियों का आप सुबह शाम एक एक गोली शहद के साथ खाने के बाद लेने से इसमें बहुत फायदा होता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए और अस्थमा रोग जो है उसका अटैक वापस ना हो और ये रोग जड़ से खत्म हो जाए, उसके लिए आप च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सुवर्ण वसंत मालिनी रस करके एक दवाई आती है, जिसका भी टेबलेट स्वरूप में आप एक एक सुबह शाम खाने के बाद सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो अस्थमा के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया अस्थमा किस तरह से होता है, आयुर्वेद में किस तरह से ये रोग को बताया गया है और अस्थमा होने के क्या कारण हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, आयुर्वेदा में कौन सी होम रेमेडीज हैं जो हम ले सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे एक पेशेंट को कि जिसको आयुर्वेदा के माध्यम से अस्थमा क्योर हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे आगे बात करी अस्थमा के बारे में, हमारे बीच में हमारा एक पेशेंट भी यहाँ पे मौजूद है, मिस्टर विपुल भाई। तो अब उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने कितने टाइम से अस्थमा की आयुर्वेदिक दवाई की और आज उनको कैसा है। जी विपुल भाई, आप बताइए। मुझे ये अस्थमा की बीमारी लास्ट 20 साल से थी और मैं रेगुलर 20 साल से पंप लेता था और लास्ट 2 साल में तो मेरी पंप लेने की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि मुझे थोड़े दादर भी चढ़ने में तकलीफ होती थी। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी एलोपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवाई भी सारी की है और कई मेरे दोस्त ने डॉक्टर दलाल का एड्रेस दिया, तो मैंने यहाँ पे ये 4 महीने से ट्रीटमेंट मैंने चालू किया है। लेकिन उनकी दवाई से मेरे 1 ही महीने के अंदर मेरी अस्थमा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैंने 1 महीने के बाद पंप लेना छोड़ दिया। 3 महीने से मैंने पंप लिया ही नहीं है और मेरा पंचकर्म भी किया है इधर, मेरे को काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है अभी।
और दूसरा तो मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम था, तो वो भी अभी नील है और अभी मुझे कोई भी टाइप की तकलीफ नहीं है और मेरा पंप बिल्कुल भी बंद है अभी। अच्छा, अस्थमा के टाइम पे आपको जो फील होता था, अभी आप जैसे स्टेप्स चढ़ते हैं तो सांस फूलना या कोई तकलीफ नहीं? नहीं, कोई बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं है। मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। पहले तो मुझे पंप लेके हर जगह पे जाना पड़ता था, जैसे मेरी कार में भी एक पंप रहता था तो कभी भी मैं यूज कर लेता था, लेकिन अभी वो पंप भी मैंने निकाल लिया है और घर पे भी पंप है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विपुल भाई, धन्यवाद आप लोगों का। जी दोस्तों, तो हमने देखा कि अस्थमा जो है, अगर आपको है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आयुर्वेद के द्वार पे आ सकते हैं। कम टू आयुर्वेदा टू क्योर योर डिजीज। थैंक यू वेरी मच।